कहावत कहती है कि एक अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, पर ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक ऐसे नाम हुए जिन्होंने इस कहावत को गलत साबित कर दिया। उनके कारनामे किसी फिल्म से कहीं ज्यादा रोमांचक कहे जा सकते हैं। वो न सिर्फ भारत के लिए जासूसी करने पाकिस्तान गए, बल्कि उन्होंने पाकिस्तानी सेना में मेजर तक का पद हासिल कर लिया। आज हम आपको एक ऐसे ही भारतीय जासूस की सच्ची कहानी बताने जा रहे हैं जो अब तक का सबसे बड़ा भारतीय जासूस था। पर ये वीडियो प्लीज आप पूरा देखिएगा, क्योंकि भारत माता के लाल रविंद्र कौशिक के साथ अंत में जो हुआ उसे जानकर आप रो देंगे। लेकिन यदि आपने हमारा रहस्य टॉक शो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाकर इस लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी को भी दबा देना। रविंद्र कौशिक की कहानी लखनऊ के एक ऑडिटोरियम से शुरू होती है। वो एक रोज वहाँ आयोजित एक प्रतियोगिता का हिस्सा थे। कला कौशल उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। रविंद्र को मंच पर देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। इसी भीड़ में मौजूद थे रॉ से जुड़े कुछ लोग। उन दिनों वो किसी खास किस्म के मिशन के लिए एक कुशल व्यक्ति की खोज कर रहे थे। प्रतियोगिता शुरू होती है, एक एक करके सभी प्रतियोगी अपना अपना हुनर दिखाते हैं। इस कड़ी में जब रविंद्र का नंबर आता है तो वो अपने अभिनय से सभी को कुर्सियों से खड़ा होने पर मजबूर कर देते हैं। रविंद्र की अदाकारी रॉ के लोगों का दिल जीत लेती है। उन्होंने तय कर लिया कि वो रविंद्र को अपने खास मिशन का हिस्सा बनाने के लिए बात करेंगे। उनके हिसाब से रविंद्र के अंदर वो सारी खूबियां थी जो रॉ से जुड़ने के लिए जरूरी होती हैं। रॉ के लोग रविंद्र से मिले। उन्होंने रविंद्र के सामने रॉ का हिस्सा बनने का प्रस्ताव रखा। मामला देश सेवा से जुड़ा हुआ था, इसलिए रविंद्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सारी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करते हुए वो रॉ का हिस्सा बने। उन्हें मिशन के लिए हर जरूरी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली रवाना कर दिया गया। असल में 1971 की जंग को खत्म हुए कुछ साल हुए थे, इसलिए भारत को आशंका थी कि पाकिस्तान दोबारा से दुस्साहस कर सकता है। दुश्मन आखिर दुश्मन ही था। भारत पाकिस्तान से दो कदम आगे रहना चाहता था। इसी के तहत उन्होंने रविंद्र को तैयार किया। वो पाकिस्तान जाकर वहां की गोपनीय जानकारी भारत को दे। रविंद्र को 2 साल चली कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा। उन्हें वो सारे ओवर सिखाए गए जो पाकिस्तान में उनके काम आने वाले थे। इस मिशन के लिए रविंद्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उन्हें मुसलमान बनना था। चूंकि रविंद्र एक अच्छे कलाकार थे, इसलिए इस चुनौती को भी उन्होंने आसानी से पार कर लिया। उन्हें ट्रेनिंग के दौरान उर्दू सीखनी पड़ी और किसी को शक ना हो इसलिए उनको खतना भी करना पड़ा। थोड़े ही वक्त में वो पूरी तरह मुस्लिम रंग में रंग गए। अब वो अपने मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हालांकि उनके अंदर एक किस्म का डर था कि वो मिशन को पूरा कर पाएंगे या नहीं। मिशन खतरनाक था, जान जाने की पूरी पूरी गुंजाइश थी। बावजूद इसके उन्होंने देश हित को सर्वोपरि मानते हुए अपने डर को मार दिया। खुफिया तरीके से रविंद्र पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब रहे। अब वो नबी अहमद शाकिर बन चुके थे। अपने पहले कदम से ही रविंद्र ने अपना काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने कराची की एक यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई शुरू की। जैसे उनकी पढ़ाई खत्म हुई, उन्होंने पाकिस्तानी फौज में नौकरी के लिए अर्जी दे दी। रविंद्र की काबिलियत को पाकिस्तानी सेना नजरअंदाज नहीं कर सकी, उन्हें सेना के लिए चुन लिया गया। जल्द ही रविंद्र फौज में एक बड़े अधिकारी के पद पर पहुंचने में कामयाब हो गए। इस दौरान उन्होंने ढेरों जानकारियां भारत भेजी। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पाकिस्तान सेना को कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि उनके बीच एक भारतीय जासूस काम कर रहा है। रविंद्र एक एक कदम सूझबूझ के साथ रख रहे थे। उन्हें खतरे का आभास था, पर देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। उनके द्वारा दी गई इनपुट भारत के लिए कारगर साबित हुई। हर नापाक कदम पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अपने मिशन के दौरान कौशिक को एक पाकिस्तानी लड़की अमानत से प्यार भी हो गया। उन्होंने उससे शादी भी कर ली। उनकी जिंदगी अब एक सामान्य हो चुकी थी। उनके पास एक बढ़िया नौकरी, सुंदर पत्नी, वो बहुत खुश थे। इसकी 2 बड़ी वजहें थी। एक तो वो अपने मिशन में सफल हो रहे थे और दूसरा वो पिता बनने वाले थे। थोड़े ही समय में एक बच्चे की किलकारी से उनका घर गूंज उठा। रविंद्र पत्नी के साथ इन लम्हों को जी रहे थे। एक दिन भारत से उनको एक संदेश आता है कि वो उनकी सहायता के लिए एक और साथी भेजना चाहते हैं। रविंद्र ने सहमति दर्ज कराई तो दूसरा साथी भारत से रवाना कर दिया गया। वो पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब तो रहा, पर दुर्भाग्य से पकड़ा गया। जब उस पर यातनाओं का दौर शुरू हुआ तो वो सह नहीं पाया। उसने अपने इरादों के बारे में साफ साफ बता दिया और साथ ही रविंद्र कौशिक की पहचान को भी उजागर कर दिया।
1983 की उस काली रात के वक्त ऐसी करवट बदली कि किसी ने सोचा भी नहीं था। रविंद्र एक भारतीय जासूस है, ये खबर बिजली की तेजी से चारों तरफ फैल गई। हालांकि कौशिक वहां से भाग निकले और उन्होंने भारत से मदद मांगी, लेकिन उस समय की मौजूदा सरकार पर आरोप लगते हैं कि उसने उस वक्त उनकी मदद नहीं की। आखिरकार पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने कौशिक को पकड़ लिया और सियालकोट की जेल में डाल दिया। वहां उनका शोषण किया गया, उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई, उनका सुडौल शरीर जर्जर हो गया, लेकिन अपने वतन भारत के लिए उनका प्यार कम नहीं हुआ। पाकिस्तान उनसे एक भी जानकारी नहीं निकलवा सका, उन पर कई आरोपों में मुकदमा भी चला। 1985 में अंततः पाकिस्तान सरकार ने हार मानकर उन्हें मौत की सजा दे दी, जिसके बाद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। 16 साल तक रविंद्र पाकिस्तान की काल कोठरे में कैद रहे और वहीं अपने आंखें एक रोज हमेशा हमेशा के लिए बंद करके उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के बाद भारत सरकार ने उनका शव भी लेने से मना कर दिया। भारत सरकार ने रविंद्र से जुड़े सभी रिकॉर्ड नष्ट कर दिए और राव को चेतावनी दी कि उस मामले में चुप रहे। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर थे। रिटायर होने के बाद वे टेक्सटाइल मिल में काम करने लगे। रविंद्र ने जेल से कई चिट्ठियां अपने परिवार को लिखी। वो उन खतों में अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों की कहानी बयां करते थे। एक खत में उन्होंने अपने पिता से पूछा था, क्या भारत जैसे बड़े मुल्क में कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? रविंद्र कौशिक के जज्बे को सलाम, जिन्होंने देश के लिए खुद की हस्ती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आप भी हमें कमेंट में रविंद्र कौशिक अमर रहे लिखकर सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।